जय जिनेंद्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष प्रसारण में, जहां आप देखेंगे परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन देशनोदय अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र चैनपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में विराजमान मूल नायक श्री 1008 देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ का मंगल अभिषेक एवं शांति धारा। साथ ही महाराज श्री ने अपने वचनों के माध्यम से चमलेश्वर वासियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए, जिससे वह इस स्थल को समस्त तीर्थ स्थलों में सर्वोच्च बना सके। तो बिना विलंब किए आइए आपको श्रवण कराते हैं गुरुवर की वाणी और जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा। आज चौरेश्वर क्षेत्र में, देशनोदय क्षेत्र में आज जिस प्रकार का भविष्य मैंने देखा है, वह भविष्य जिस दिन साकार रूप होगा, वो अपने आप में राजस्थान के अथवा भारत का एक सर्वोच्च स्थान बनेगा। क्योंकि बिजोलिया से ज्यादा रमणीक है वो। बिजोलिया में केवल ज्ञान हुआ, मैदान है बिजोलिया में। आज बार बिल्कुल पास में गांव है, चारों तरफ की बस्ती जुटती जा रही है, लेकिन चौरेश्वर में तो आज नहीं कल नहीं, वो तो बन है, बन रहेगा और बनी था। वहाँ कोई बस्तियाँ आ ही नहीं सकती। तो ये अतिशय घटना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मूर्तियों से पानी का निस्सरण होना आगम सम्मत है। मैंने भी कई मूर्तियों के इस प्रकार के प्रसंग देखे अपनी आँखों से। लोग कहते हैं सफोकेशन है, मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि एक बार कोटा के अंदर हुआ, मंदिर में कोई भी नहीं था, एकदम पुजारी ने मारे ने आगे कहा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा हो रहा होगा, मैं आश्चर्य को उठ गया। बोले महाराज जी और तेज हो गया। मैंने खुद जाकर के अपने सामने पूरी मूर्ति साफ कराई और उसमें से ऐसी धारा आ रही कि निचोड़ना पड़ रहा है कपड़े को। पूरी मूर्ति के बाहर निमोड़ जो धमा होता ना तसला, निचोड़ते निचोड़ते तसला भर गया। आइए अब सीधे लिए चलते हैं आपको श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन देशनोदय अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र चैनपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में विराजमान मूल नायक श्री 1008 देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ का मंगल अभिषेक एवं शांति धारा के भव्य दर्शन कराने। ब्रीं श्रीं क्लीं मैं अरुं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै नमुरतिं भगवते श्रीमति पवित्रजलेञ्जिना विसिञ्चामिति स्वाहा। ॐ ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमुरते भगवते श्रीमते। ॐ ब्रीं क्रों मं पापं खण्डे खण्डे जय हे जय दहे दहे पचे पचे पाचे पाचे। ॐ नमो अरं जं जीं छीं हं सं जं वं रा या सा छां छीं छों छें छीं छों छों छं छां छीं ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रें ह्रें ह्रों ह्रों ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमुरतिं भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य भगवन् विद्यासागर जी महाराज स्वस्थलाभार्थम् एवं आहारचर्य सह अन्न सम्पन्यार्थं निर्यापक श्रमणी पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज संगे आरोग्यार्थं प्रथमोर्से अभीक्षिशान्द्रकथा श्रेष्ठ श्रीमते रतन देवी जी अशोक कुमार जी सुनीता देवी जी आंचल नियति पाटी सा परिवार अमरगढ़ निवासी दूसरी तरफ से श्रीमती पाना देवी जी वहरलाल जी राकेश कुमार जी पवन कुमार जी आशीष कुमार जी आगम जी आदिश जी वर्जत्य सा परिवार दूनी निवासी श्रेष्ठ श्रीमान प्रवीण चंद जी श्रीमती सौभाग देवी जी राजेंद्र कुमार जी प्रियांश जी वाकलीवाल सा परिवार खजूरी निवासी श्रेष्ठ श्रीमान निर्मल जी जैन श्रीमती पूनम जी जैन ऋषभ दीक्षा एवं समस्त बड़ारी परिवार नीमच निवासी श्रेष्ठ श्रीमान महेंद्र कुमार जी डॉक्टर मैंग जी कीर्ति जी सिद्धम जी गोदा एवं मूचिता जैन अलोद वाले बूंदी का गोठड़ा निवासी रोग निर्माण हेतु श्रेष्ठ श्रीमान कैलाश
चंद जी पांड्या साहब परिवार केकड़ी निवासी श्रेष्ठ श्रीमान नरेंद्र जी श्रीमती सुधीर सरानी जी विपिन संगीत अभिषेक रिद्धि सिद्धि जैन दुर्गापुर पश्चिम बंगाल निवासी आंचल वैभव सौम्रत जैन प्रीत विहार दिल्ली साहब परिवार से देश नोदय अतिथि चित्र कमेटी एवं उपस्थित सभी भव्य जनानाम देश नोदय अतिथि चित्र चल रहे निर्माण कार्य सापन्नार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एव अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्ठे परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं समस्यान्तर्गत परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पादे पदम प्रसाद सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्येश्वरे अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्मे सोसिस परसिस वर्ग प्रसिद्धंतु नाम ओम वृषभादे श्री वर्धमान चतुर्विंशति अरंतु भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया अस्माकं या मुद्रचा सिद्धिं तवन्तु सुधर्मकारेषु या मुद्रचा सिद्धिं प्रच्छन्तु नाम ओं नमोरति भगवते श्रीमते पारस्थितङ्करे श्रीमदरत्नतररूपाय दिव्यजमूर्ते प्रभामण्डलमण्डिताय द्वादशगुणसहिताय अनन्तचतुष्टयसहिताय समोष्णकेवलज्ञानलक्ष्यशोभिताय अष्टादशदोषरहिताय षट्चत्वारिशद्गुणसंयुक्ताय परमेष्ठे परमपित्रे सम्यग्ज्ञानाय सुमवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रिलोकमहिताय अनन्तसंसारचक्रमदने अन्तज्ञानदर्शनवीरसुखाय पदाय त्रिलोकवंशकरे सत्यज्ञानाय सद् सृजनाभिषेक पूजन प्रसाद समस्यांतर्गत परिवार से सेवाकना सर्वे दोष रोग शोक भय पीड़ विनाशनम भावयतु ओम नमो रति भगवते प्रक्षीण शेष दोष कलमसाय दिव्यजमूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिग्रह सर्व विघ्न प्रनाशनाय रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृति चित्रबुद विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिग्रह ओम राम ह्रीम रोम रोम रा असियाउसा नमः मम सर्वन शांतिम कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिम कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा मम कामम छिंदे छिंदे विन्दे रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवाव्यम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्यभयम सर्वचोदृष्टभयम सर्वसर्वशिक्षणाद्भयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषं वेदं धारं च सर्वपरमन्त्रं सर्वातिघातं परघातं च सत्सूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुररोगं जुररोगं च सनरमारीं सर्वगज असगो महिषजमारीं सर्वसस धान वृक्ष लता गोलम पत्र पुष्प फलमारीं छिंदे छिंदे विन्दे सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूरवेतल साग्निभियानी सर्वेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वाश्यमारीं अस्माकम् अशुभकर्म जन दुखानि दुष्ट जन कृतान मंथन दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र ओम ब्रीम अष्टप्रात्यार मध्ये छत्र स्थापयामि ओम ब्रीम अष्टप्रात्यार मध्ये चौर्दमे स्थापयामि ओम ब्रीम देश नोदय तीर्थ चौले स्तर स्थित महा अतिशयकारी देवादिदेव श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय अनर के पद प्राप्त है अरे गम प्रामिति स्वाहा।